गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंक फंक्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग फंक्शन डिस्कस किया, तो सैम्पलिंग फंक्शन की अगर हमें आइडिया है सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में, तो सिंक फंक्शन हम आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली सिंक जो हमारा फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सिंक ऑफ टी। तो सिंक ऑफ टी को हम लिखते हैं साइन पाई टी बाई पाई टी। जैसे सैम्पलिंग को हमने साइन टी बाई टी लिखा था, वैसे सिंक को साइन पाई टी बाई पाई टी लिखते हैं। तो अब साइन पाई टी बाई पाई टी इसको हम क्या लिख सकते हैं, सैम्पलिंग ऑफ पाई टी लिख सकते हैं, सैम्पलिंग ऑफ पाई टी, क्योंकि साइन टी बाई टी को हम सैम्पलिंग टी लिखते हैं। तो साइन पाई टी बाई पाई टी को सैम्पलिंग पाई टी लिखेंगे, जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में साइन फोर टी बाई फोर टी को हमने सैम्पलिंग फोर टी लिखा था, सेम उसी तरीके से सिंक फंक्शन जो हमारा होता है वो भी इवेंट सिग्नल होता है, वो भी इवेंट सिग्नल होता है। किस तरीके से होता है वो भी हम अभी देखेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए सैम्पलिंग सिंक ज़ीरो की वैल्यू कितनी आती है, सिंक ज़ीरो की वैल्यू, सिंक ज़ीरो की वैल्यू अगर निकालनी है तो सैम्पलिंग की ज़ीरो की वैल्यू क्या आती है, सैम्पलिंग ज़ीरो की वैल्यू आती है वन, तो सिंक की भी वैल्यू वन होगी ज़ीरो पे। सिंक इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, सिंक इन्फिनिटी निकालना है तो सैम्पलिंग इन्फिनिटी की मैंने वैल्यू बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कितनी आ रही थी, ज़ीरो। ओके अब देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ सिंक सिंक टी इक्वल टू ज़ीरो, अगर सिंक टी हमारा ये जो फंक्शन है हमारा वो ज़ीरो हो जाए, तो सिंक टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई टी बाई पाई टी लिख सकते हैं, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, और ये इक्वल है हमारा ज़ीरो के, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन पाई टी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, साइन पाई टी इक्वल टू ज़ीरो। ओके उसके बाद जब अगर साइन हमारा फंक्शन ज़ीरो है, साइन पाई टी ज़ीरो है, तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई टी जो हमारा होगा वो मल्टीपल होगा एन पाई का, क्योंकि साइन की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ पे आती है, साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है पाई के मल्टीपल पे, पाई टू पाई, ठीक है, इस तरीके से थ्री पाई फोर पाई, तो पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है, तो पाई का मल्टीपल ही तो है एन की वैल्यू, ये यहाँ पे क्या है इसका मल्टीपल बता रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है एन, ठीक है। तो अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इक्वल टू आएगी एन, वेयर एन जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। टी की जगह क्या आया, टी इक्वल टू एन आया, मतलब ये जो हमारा टाइम एक्सिस है उस पर एन आएगा, एन की वैल्यू वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से हो सकती है। तो इसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ सिंक का, तो ये हमारा इस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो जैसा हमने सैम्पलिंग के लिए ड्रॉ किया था वैसा ही ड्रॉ करेंगे। ओके तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, सेम इस तरीके से हमने इधर भी ड्रॉ किया है, तो ये हमारा क्या है सिंक के लिए है, ठीक है, सिंक का ग्राफ है, सेम साइन सैम्पलिंग की तरह है, क्योंकि सिंक इक्वल टू होता है सैम्पलिंग पाई टी। ओके अब इसकी वैल्यू एन टी, ये हमारा टाइम एक्सिस होता है, तो टाइम एक्सिस जो हमारा है वो एन के इक्वल है, एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मल्टीपल ऑफ पाई है ना, तो एन की जगह वन रखोगे तो पाई मिलेगा, ठीक है, टू रखोगे तो टू पाई, थ्री रखोगे थ्री पाई, एन की वैल्यू वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से, तो एन की जगह वन यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे कितना आएगा माइनस टू इस तरीके से। वहाँ पे सैम्पलिंग के लिए क्या था, यहाँ पे पाई माइनस टू पाई प्लस टू पाई था, यहाँ पे वन माइनस वन टू माइनस टू इस तरीके से होगा। ओके और उसके बाद फिर ये जो हमारा एनर्जी है इसके लिए
ये हमारी आएगी कितनी, वन। ओके, वन कैसे आएगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे सिंक टी है, सिंक टी इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी लिखेंगे, सिंक टी इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी लिखेंगे, सिंक टी इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी। सैम्पलिंग पाई टी की वैल्यू होती है वन, सैम्पलिंग पाई टी की वैल्यू होती है वन। कैसे हुई वन वो देखते हैं। देखिए सैम्पलिंग टी है, सैम्पलिंग टी की वैल्यू क्या होती थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था सैम्पलिंग टी की वैल्यू पाई हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे अगर सैम्पलिंग 4t की बात करें, सैम्पलिंग 4t की, सैम्पलिंग 4t की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4, क्योंकि स्केलिंग वाले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर सैम्पलिंग पाई टी की बात करें, सैम्पलिंग पाई टी की बात करें, तो पाई डिवाइडेड बाई ये वाला पाई, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, क्योंकि सैम्पलिंग टी इक्वल टू पाई होता था, सैम्पलिंग 4t है तो पाई डिवाइडेड बाई ये वाला जो सैम्पलिंग है उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर पाई टी ही है सैम्पलिंग की जगह, तो पाई है और डिवाइडेड बाई पाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग पाई टी इक्वल टू वन, इसलिए सैम्पलिंग पाई टी वन होता है। ये हमें याद रखना है, सैम्पलिंग टी इक्वल टू पाई। ओके, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट अगर ना लिखें तो सैम्पलिंग पाई टी को इस तरीके से लिख दें कि सैम्पलिंग जो हमारा टी होता है उसकी वैल्यू होती है पाई, और अगर पाई टी है तो डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा और इक्वल टू ये पाई बाई पाई वन हो जाएगा, यहाँ से सैम्पलिंग टी इक्वल टू पाई इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन सिंक फंक्शन का, और इस तरीके से ये हमें बेसिकली सिंक टी इक्वल टू सैम्पलिंग पाई टी याद रखना है, उसके बाद सैम्पलिंग टी इक्वल टू पाई, जो सैम्पलिंग फंक्शन में हमने बताया था कॉन्सेप्ट वो याद रखना है, सिंक टी इक्वल टू सैम्पलिंग टी होता है ये याद रखना है, और ये इवन सिग्नल होता है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, थैंक यू।